that little mouse, cause I'm an albatross. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्रैंड लर्निंग पॉइंट के नए वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 10 के एक्टिवेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता हूं मैं माय कंप्यूटर पे, आपने क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहां पे आप देख सकते हैं क्या विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड। तो अब इसको मैं क्लोज करता हूं। आपने ये ख्याल रखना है कि विंडो डिफेंडर और एंटीवायरस को डिसेबल करना है, और उसके बाद आपने डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट टूल किट। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ और यस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, एक विंडो का है ये, और एक दूसरा जो है वो ऑफिस एक्टिवेशन का है। तो मैंने विंडो एक्टिवेट करनी है, तो मैं विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है प्रोडक्ट कीज़, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अभी आपने आना है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में आपने किसी भी विंडोज़ को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके पास इंस्टॉल हो उनमें से किसी को भी आप एक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, तो मैं विंडोज़ 10 को ही सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे आपने उसके बाद एडिशन में आना है, और एडिशन में आप विंडोज़ का कोई भी एडिशन जो आपने आपके पास इंस्टॉल हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास प्रोफेशनल इंस्टॉल है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ये आप इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। तो मतलब ये कि हमारी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और अभी चेक करने के लिए कि विंडो एक्टिवेट है या नहीं, तो आप माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में आए और यहाँ पे देखें कि विंडो एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे मज़ीद वीडियोज़ मिलते रहे।